हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 की एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी 3 के अंदर हमारे को क्या करना है, जिंक की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है और हम देखेंगे कि उससे क्या रिजल्ट निकल के आने वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए, जिंक के हम छोटे छोटे दाने लेंगे जिनको हम जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे, जिसको मैं अभी इस टेस्ट ट्यूब में ले लूँगा। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनके तैयार होगा हमारा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए पॉप साउंड टेस्ट होता है, उसको मैं अभी परफॉर्म करके बताऊंगा कि जब हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए सेटअप मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है कि मैं टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लूंगा, उसमें जिंक के छोटे छोटे ये ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रहे होंगे जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दूंगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो मैं उसके माउथ के ऊपर क्या करूंगा, जलती हुई मोमबत्ती लेके आऊंगा। जैसे ही मोमबत्ती को लेके आऊंगा तो मोमबत्ती पॉप साउंड के साथ क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये पॉप साउंड ही पहचान है कि यहाँ पे क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जो जिंक होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो जिंक क्या करेगा, इस एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे को मिलने वाला है। तो मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेता हूं। अब इसके अंदर मैं जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल लेता हूं जिनको जिंक ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। जैसे ही मैंने इसके अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले, आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बबल्स निकलने शुरू होंगे, यानी कि इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। ये धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है, यानी कि इसमें हीट भी निकल रही है। मैं इसको रख देता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो इसके लिए पॉप साउंड हमारे को पता होनी चाहिए कि पॉप साउंड का अगर आवाज़ आती है तो समझ जाओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है। तो मैं मोमबत्ती को जला लेता हूँ और साउंड को सुनाने के लिए मैं माइक को इसके पास में लेके जाता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि पॉप साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, मैं एक बार और परफॉर्म करके बताता हूँ। इसमें पहले थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होने दो। फिर से इसमें हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी इकट्ठी होने दो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई भी कि यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, और ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, और हाइड्रोजन गैस की पहचान किससे की जाती है, पॉप साउंड के साथ की जाती है। इसी तरीके से साइंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले की अगर दो एक्टिविटीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों एक्टिविटीज़ को भी देख लीजिए। आगे की सारी एक्टिविटीज़ भी मैं इसी तरीके से चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।